गाड़ी जो है अपने आप चल रही है, पैर मेरा स्टिल ऊपर है। अब मैं लगा रहा हूँ दूसरा गियर भी यहीं पर, पैर मेरा स्टिल ऊपर रहेगा, क्लच दबाया, गियर बदला। ऐसे ही मैं गो बोलूंगा ना, आप स्पीड की तरफ ध्यान रखना कितनी स्पीड से बढ़ेगी, स्लोप भी आ गया है। 1 2 3 गो। अरे भाई साहब, ये कैसे हो गया, मैं नहीं मान सकता यार, मतलब एक CNG का। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हमारे पास है टाटा टिगोर XZ प्लस CNG में। तो आज हम क्या कर रहे हैं इस गाड़ी के साथ, दो चीज़ें कर रहे हैं एक ही वाले टेस्ट में। एक तो इसका माइलेज टेस्ट कर लेंगे CNG के साथ, हाईवे पर भी चलाएंगे, साथ में हम अपनी टेस्टिंग भी करते रहेंगे CNG में इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसको खींच के भी चलाएंगे, एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, और बगैर एक्सेलरेटर के CNG में हम तीन लोग बैठे हैं, AC ऑन है, बगैर एक्सेलरेटर के ये गाड़ी उठती है नहीं उठती है वो सारे टेस्ट भी इसी वाले टेस्ट में कर लेंगे। मतलब एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी क्या है CNG में वो वाली निकल कर आ जाएगी, क्योंकि टेस्टिंग साथ में चल रही है, साथ में गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस है वो भी साथ में पता लग जाएगा। गाड़ी बिल्कुल नई है अभी, सिर्फ 314 किलोमीटर जो है ओडोमीटर में इसमें शो हो रहा है। तो अभी सबसे पहले हम चल रहे हैं CNG स्टेशन पे, CNG का टैंक फिल करा लेते हैं, टेस्टिंग अपनी सारी शुरू करेंगे। लगभग आधे घंटे के आसपास हम गाड़ी को चलाएंगे, उसके बाद कितने किलोमीटर चली और कितनी इसमें उसके बाद CNG आएगी वो बातें भी करते रहेंगे। यहाँ पर आई एक मजे वाली बात, हमारी गैस डली है 32 रुपये 56 पैसे की, इतनी। अब वो किस वजह से, अभी भैया ने बताया हमें कि जो अभी नई टिगोर और टियागो आई है ना, उनके लिए ये वाली मशीन जो है वो पुरानी है, और ये वाली जो गाड़ियाँ वो नई है, मतलब अभी इनको भी अपग्रेड कराना पड़ेगा। अच्छा, टियागो और टिगोर किसी में नहीं डलती, तो मतलब हर बार 20-30 रुपये की डलेगी चाहे सिलेंडर खाली हो। तो ये चीज़ भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपको ये पता करना रखना पड़ेगा कि भाई कौन से वाले CNG पर नई वाली मशीन है, ऐसा ना आप खाली लेकर पहुँचो और गाड़ी में आपकी CNG ना लगे। चलो अब दूसरा ढूंढते हैं यार, ये भी एक अच्छा जो है ना एक्सपीरियंस हो गया है। गाड़ी जो है हमने फुल करा लिया, टैंक जो है फुल करा लिया CNG का। ये हो चुका है हमारा फुल। ट्रिप बी पर हम चल रहे हैं और ट्रिप बी को मैं कर देता हूँ 0 544 545 के आसपास, 615 के आसपास तक हम इसकी टेस्टिंग रखेंगे। सबसे पहले टेस्टिंग क्या रहेगी, गाड़ी हमारी स्टार्ट है, तीन लोग बैठे हैं, AC हमारा ऑन है 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ये वाला पैर जो है मैंने अपना कर लिया है ऊपर, आप लोग देख रहे होंगे। इसका मतलब क्या है, अब मैं एक्सेलरेटर नहीं दूंगा, रेस नहीं दूंगा, सिर्फ क्लच पे से पैर हटाऊंगा, फर्स्ट गियर में मैंने डाल दिया है, और देखते हैं गाड़ी उठ पाएगी कि नहीं उठ पाएगी। और जैसे ही मैंने क्लच पे से पैर हटाया ना, बढ़िया बात क्या कर रखी है टाटा ने इसके साथ, गाड़ी अपने आप से हल्की सी जो रेस है वो ले लेती है, जो एक्सेलरेटर है ना वो अपने आप से ही गाड़ी ले लेती है, आपको एक्सेलरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ट्रैफिक जाम में खड़े हैं तो आपको बार बार क्लच, ब्रेक और रेस, मतलब आपके दो पैर हैं, तीन चीज़ आपको संभालनी पड़ रही है, वो चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। एक बार दोबारा से कर लेते हैं, रेस में फिर से नहीं दूंगा, गाड़ी हमारी फिर से बिल्कुल स्टैंड स्टिल पर है, रेस हमारी 0 पर है। मैंने फिर से गियर लगाया, गाड़ी पीछे जा रही है, और ये देखिए गाड़ी जो है अपने आप चल रही है, पैर मेरा स्टिल ऊपर है। अब मैं लगा रहा हूँ दूसरा गियर भी यहीं पर, पैर मेरा स्टिल ऊपर रहेगा, क्लच दबाया, गियर बदला, क्लच छोड़ते ही यहाँ पर गाड़ी ने हल्का सा झटका लिया है, लेकिन गाड़ी फिर से चल पड़ी है। हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना ICNG के साथ टाटा ने बहुत ही बढ़िया बना रखी है। अब रेस मैंने दी और बढ़िया तरीके से गाड़ी का पिकअप जो है आ रहा है, पता नहीं लगता CNG पर चले, पेट्रोल पर चले, किस चीज़ पर हम चल रहे हैं। अगर आप बटन दबाएंगे, आपकी ये वाली बंद है, देखिए मैंने ये वाला बंद कर दिया है। अब अगर हम चला रहे हैं, थोड़ा सा फर्क आपको तब महसूस होगा अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हैं ना, अचानक से सडन एक्सेलरेट कर रहे हैं, आपको किसी को टेक ओवर करना है, टेक ओवर को भी छोड़िए, वो भी CNG में आराम से कर लेती है। आपको अगर रेसिंग ही करनी है, चलिए भाई मेरे को तो रेसिंग करनी है, तब आपको थोड़ा सा फर्क महसूस होगा डीजल इसमें, पेट्रोल में और CNG में। अदरवाइज आपको ये वाला बटन कभी भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट भी CNG पर होती है, चलती भी CNG पर है, CNG पर काम भी बहुत ही बढ़िया करती है, और अगर आपको किसी को टेक ओवर करना है वो भी ये गाड़ी आराम से करती है। तो अभी हम जो है स्पीड अपनी रख रहे हैं 80, 81, 82, 83 के आसपास। एक तो हम जिस हाईवे पर चल रहे हैं ना, इसकी लिमिट भी इतनी है 80 के आसपास,
और फिर हमें थोड़ी फ्यूल निकालनी भी, एवरेज निकालनी भी ली एक्चुअली, तो उस वजह से हम इसी स्पीड में चलते रहेंगे, स्पीड लिमिट। और ये हाईवे हमें अलाउ कर भी नहीं रहा है कि हम ज़्यादा तेज चलें। जो ये वाला हाईवे है दिल्ली टू चंडीगढ़ वाला हाईवे है, लेकिन बिजी बहुत है। देखिए 4 लेन का बना हुआ है लेकिन स्टिल बिजी है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी क्या मिल रही है सीएनजी में, वो हमें इस गाड़ी में नहीं पता लगता है। तो वो तो जब हम लास्ट में गाड़ी में सीएनजी भरवाएंगे तभी पता लगेगा, तब तक तो मतलब आइडिया में ही चल रहे हैं। 80-82 के आसपास फिलहाल हमारी स्पीड है। अब देखिए थोड़ी सी टेस्टिंग और कर लेते हैं। 80 के आसपास में फिफ्थ गियर में चल रहे हैं, मतलब टॉप गियर में चल रहे हैं। अब यहीं से अगर मेरे को किसी को ओवरटेक करना है तो एकदम से मैं पंजा प्रेस करूंगा। यहाँ पर देखते हैं स्पीड कितनी जल्दी बढ़ती है। ऐसे ही मैं गो बोलूंगा ना, आप स्पीड की तरफ ध्यान रखना कितनी स्पीड से बढ़ेगी। स्लोप भी आ गया है, 1 2 3 गो, और मैंने दबा दिया है। स्लोप है बट स्टिल गाड़ी ने जोर लगाया, 5 लोग बैठे हैं, एसी ऑन है। और यहाँ वाली परफॉर्मेंस मेरे को बढ़िया लगी। अब डाउन हिल आ गया है, उस पर तो हम नहीं देखेंगे, अगर प्लेन रोड पर और देख लेते हैं वहाँ पर कैसा ये परफॉर्म करेगी, क्योंकि स्लोप पे थोड़ा सा गाड़ी के साथ ज्यादती हो जाती है यार। ठीक है, अभी हाँ हम फिर से प्लेन रोड पर आ गए हैं। 1 2 3 गो, दबा दिया मैंने पंजा। 82, 84, 85, 86, 87, 88 RPM हमारे लगभग 2500 के आसपास तक है, और बढ़िया है, आराम से निकलती है गाड़ी, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर मैं कर देता गियर डाउन, फोर्थ गियर में ले आता, फिर तो ये निकलती यार, गाड़ी निकलती। उसको भी करके दिखा दूँ आपको कैसे निकलती, फोर्थ गियर, और ये देखिए हमारे सामने ओरा सीएनजी जा रही है, और ये देखिए फिर तो निकलती है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, गाड़ी को चलना ही पड़ेगा। आवाज़ ज़रूर करती है थोड़ी सी, आपको पता लगेगा कि आपने हार्ड एक्सीलरेट कर दिया है। इंजन इसका शोर करता है क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये वाला पावरफुल इंजन है। आप ओरा अगर सीएनजी की बात करेंगे ना तो उससे पावरफुल इंजन है, उससे अच्छा इंजन है, लेकिन शोर करता है, उसकी कोई बात नहीं। म्यूजिक सिस्टम इतना ज़बरदस्त दिया यार, 8 स्पीकर सिस्टम आपको इसमें मिल रहा है हारमन की तरफ से, उसकी आवाज़ बढ़ाइए, गाड़ी की आवाज़ दबाइए और मज़ा कीजिए। तो गाड़ी हमारी 14.5 किलोमीटर के आसपास चल गई है। हाईवे पर या खुली सड़क पर जितना इसको चलना था चल चुकी। अब ये सेकंड गियर में चलेगी, थर्ड में चलेगी, 10, 20, 25 के आसपास की स्पीड पर ये चलेगी। अगले 15, 20 मिनट जैसी भी ये चलनी है, साथ में इसकी टेस्टिंग भी अब हो रही है बढ़िया तरीके से। सिटी के हिसाब से अगर मैं आपको बता दूँ ना, देखिए सेकंड गियर में है, मैंने थोड़ी सी स्पीड दबाई तो गाड़ी यहाँ पर भी बहुत बढ़िया निकलती है। हाईवे पर जो इसकी परफॉर्मेंस थी ना, उससे बढ़िया इसकी परफॉर्मेंस सिटी में है। सीएनजी गाड़ी ले रहे हैं, सिटी के लिए ही कंसीडर की जाती है, और उसी वजह से टाटा ने जो है ये गाड़ी उतने अच्छे तरीके से ट्यून भी की हुई है। सिटी में आप इस सीएनजी को चलाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ब्रेकिंग वगैरह टॉप नोच है, बहुत ही बढ़िया है। मेरे को गियर्स में थोड़ी सी इसकी शिकायत लगी है, एक तो ये हार्ड लगते हैं, साथ में अगर आपकी लो स्पीड है ना तो उसमें थोड़ी सी इसमें वाइब्रेशन भी मेरे को देखने को महसूस ज़रूर हुई है। अब आपको फिर से दिखाऊंगा अगर आप वाइब्रेशन देखना चाहते हैं ना। अभी देखिए मैंने गाड़ी को धीमे किया, सेकंड गियर में लगाया, और ये देखिए आपने थोड़ा सा देखा होगा, तो होती है थोड़ी सी, अगर आपने देख लिया तो देख लिया, नहीं देख लिया तो ना सही, इतना ही मौका देती है। अब टाटा की गाड़ियाँ इतनी भी वो नहीं है कि आप मतलब देखते रहोगे वो ऐसी हिलती रहेगी, थोड़ी सी वाइब्रेशन है, आप नोट कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज फिर वो फाइन हो जाती है। तो ये लो भैया, अब हम आ गई हैं बिल्कुल मस्त वाली गलियों में, यहाँ से भी चल रहे हैं, और अब ये आ गया सामने स्लोप, और पीछे मेरे बाइक वाइक काफ़ी चीज़ें हैं, सामने से गाड़ी भी आ गई है। तो चलिए अब मैंने रेस नहीं दे रखी, गाड़ी खुद ही चल रही है, हालांकि मैंने रोकी नहीं थी गाड़ी, बट स्टिल ये तो अच्छे तरीके से यहाँ से निकल गई, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो चल ही रही थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कोई एक्सेलरेट नहीं किया था गाड़ी को, फर्स्ट गियर में ही थी और वो आराम से चढ़ गई। बढ़िया वाला रोड भी देख लेते हैं, मतलब स्लोप भी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम से मैं स्लोप बोल रहा हूँ, मेरे को भी स्लोप नहीं मिल रहा है, उसके चक्कर में हम घूम भी रहे हैं कुछ, फिर सिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। 17 ही किलोमीटर अभी तक हम चल पाए हैं, और टाइम भी हमें लगभग आधा घंटा होने वाला है। तो सिटी में ज़्यादा चल गई है, चली है मतलब 2-3 किलोमीटर, लेकिन टाइम काफ़ी देर मतलब गाड़ी अपनी ऑन रह गई है। अब सामने आ गया स्लोप, बहुत ही खतरनाक, इसका मेरे को 100% श्योर है कि गाड़ी इस पर बगैर एक्सीलरेटर के तो नहीं चल पाएगी। तो पहले हम सीएनजी पर रहेगी, लेकिन गाड़ी का एसी जो है ना वो हम बंद कर देते हैं, एसी हमारा ऑफ हो गया है, और काफ़ी लोड गाड़ी पर कम हो गया है,
अब मैंने फिर से अपना पैर ऊपर कर लिया, गाड़ी हमारी थोड़ी सी पीछे खड़ी है, हम मान लेते हैं सामने जो है फ्लाई ओवर है। मैंने सिर्फ गाड़ी से ये देखिए ये हटाया पैर और फर्स्ट गियर में है, चली 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 चली, वाह। ताली नहीं बजा दोगे आप इस गाड़ी के लिए? मैं तो बजा देता हूँ यार, काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। चलो थोड़ा सा और कर लेते हैं यार, बगैर एक्सेलेटर के और बहुत ही ज़्यादा स्टिप चढ़ाई है। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की नहीं है, बहुत ही ज़्यादा स्टिप है। अभी देखना जब मैं पीछे जाऊँगा, ये देखो मतलब अब मेरे को ना सामने आसमान आसमान दिख रहा है, धरती नहीं दिख रही है, इतनी ज़बरदस्त है। तो चलिए एक चीज़ और कर लेते हैं, अब गाड़ी खड़ी ही यहाँ पर है, अब स्लोप पर ही है, तब तो हमारी गाड़ी थोड़ी चल रही थी। अब मैंने लगाया फर्स्ट गियर, अब देखते हैं, मैं ब्रेक पर से पैर हटाऊंगा, क्लच पर से हटाऊंगा और एक्सेलेटर नहीं दूंगा, ठीक है। अरे भाई साहब, ये कैसे हो गया? मैं नहीं मान सकता यार, मतलब एक सीएनजी गाड़ी इतना ही जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे सकती है उस स्लोप पर। हालांकि हमारा एसी ऑफ था, लेकिन थोड़ा सा तो मतलब गाड़ी को भी हम लेवरेज दे सकते हैं ना उस चीज़ की। अगर हम बगैर एक्सीलरेटर के इसको चढ़ा रहे हैं वहाँ पर ऐसी जगह पर, तो एसी तो ऑफ करना बनता है, लेकिन शानदार। तो अब लगभग जो है हमारी गाड़ी, टाइम हो गया है 6:25, मतलब लगभग 45 मिनट हमारी गाड़ी को होने वाले हैं। और जब तक हम पहुँचेंगे ना सीएनजी पंप पर, 45 मिनट गाड़ी को चलते हुए हो जाएंगे, और 45 मिनट में हमारी गाड़ी चली है 25 किलोमीटर। तो अब आप देख सकते हो हमारी गाड़ी किस टाइप के ट्रैफिक में चली होगी। ज़्यादातर हम रहे हैं सिटी में और हाईवे पे रहे हैं हम कम, बीच में हमने 0 to 100 भी कर लिया है, अपनी टेस्टिंग भी कर ली है जहाँ पर हम बगैर एक्सीलेटर के गाड़ी पर काफ़ी प्रेशर लगाकर जो हमने गाड़ी चलाई है। तो अब देखते हैं गाड़ी हमें एवरेज क्या देगी। अब सीधे हम चलते हैं सीएनजी पंप पे। चलो सीएनजी अपने आ गई है लगभग 120 रुपये, 1.3788 का रेट है। आपके पास कितना रेट है बताना। और अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर, देखते हैं कितनी चली है। तो अभी जो है हमारी गाड़ी चल चुकी है 29.3, और आपने देख लिया है हमारी गाड़ी मतलब जो सीएनजी आई है वो आई है 1.37। तो 29.3 को हम डिवाइड कर देते हैं 1.37 से, और ये जो है गाड़ी की एवरेज निकल कर आई है 21.3, मतलब 21.4 के आसपास की। टाटा टिगोर सीएनजी में एवरेज दे रही है, जो रियल लाइफ माइलेज आप बोल सकते हैं। ये कंपनी क्लेम करती है 26 की, और बिल्कुल ठीक क्लेम करती है। अगर हम वो टेस्टिंग वगैरह नहीं करते ना, तो वो गाड़ी हमें 26 के आसपास भी दे देती। तो आज के लिए टेस्ट यही था। आपको क्या लगता है इस वाले टेस्ट के बाद, और जिस हिसाब की गाड़ी ने मतलब एवरेज दी है, फ्यूल एफिशिएंसी दिखाई है, अच्छी है या नहीं है, या और भी अच्छी हो सकती थी? और जो हमने टेस्ट किए हैं वहाँ पर, जो परफॉर्मेंस गाड़ी ने दिखाई है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई और गाड़ी की टेस्टिंग करनी है, कोई और गाड़ी का रिव्यू करना है, तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे दिख रही होंगी, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अच्छे से एक वीडियो बनाएंगे, दो वीडियो बनाएंगे, तीन वीडियो बनाएंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक आप कर ही दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।